आइए डिस्क कोटा के वीडियो पार्ट टू में हम देखते हैं कि अभी जो हमने परेशानी देखी उसे कैसे लिमिट करना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट से बाहर निकलना पड़ेगा यानी रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। रूट से हम लॉगिन कर चुके हैं। इम्प्लीमेंट डिस्क कोटा टू लिमिट दिस, हमने जो पीछे जो टेस्ट वन था, टेस्ट वन आपने देखा कि कितना ज़्यादा डेटा, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी कि वो कितना डेटा रख सकता है www फोल्डर के अंदर। तो उस चीज़ पे बाउंडेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले fs type नाम की फाइल को एडिट करना पड़ेगा और उसमें हमें एंट्री कुछ इस टाइप से डालनी पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, vim/etc fs type को मैंने एडिट किया और मैंने जो इसमें सबसे लास्ट वाली लाइन है /dev/sdb1, क्योंकि आपको ये मेरे प्रीवियस वीडियो से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पार्टीशन यूज़ कर रहा हूँ वो SDB1 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा /www पे माउंटेड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस एंट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और मॉडिफाई करने के टाइम पे कुछ नहीं, जस्ट जहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स लिखा हुआ है उसके पीछे मुझे क्या लिखना है, कॉमा लगा के USRQUOTA, GRP QUOTA, ठीक है। इतना लिखने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे बाहर निकल के या सेव करके बाहर आ जाना है और मुझे क्या करना पड़ेगा, माउंट और पाइप लगा के ग्रेप /www, इससे क्या होगा मुझे पता लग जाएगा कि मेरी fs type फाइल में क्या एंट्री है। देखो जो मैंने अपडेट किया वो यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे USR कोटा, GRP कोटा आपको कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इस fs type फाइल के अंदर जो मैंने अभी एडिट किया है वो अपडेट्स अभी Linux ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। तो उन्हें अपडेट्स करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए मुझे क्या है, कमांड चलानी पड़ेगी। तो मुझे और जो हमारी कमांड है वो है माउंट स्पेस -O रिमाउंट रिमाउंट USR कोटा GRP कोटा RW/www। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई है, आप यहाँ पे www यूज़ कर सकते हो। तो ये कमांड मुझे चलानी है और इस कमांड को चलाने के बाद में फिर दोबारा से मैं ये फाइंड आउट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, दैट मीन्स मेरी जो fs type फाइल में मैंने जो चेंजेस किए थे वो मेरे परमानेंट हो चुके हैं, मैंने देख लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ क्रिएट अ कोटा फाइल, मुझे क्या है एक कोटा फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे से जो रूल रेगुलेशन जो सेव होते हैं वो सारे के सारे कोटा फाइल में सेव होते हैं। उस फाइल को क्रिएट करने के लिए मुझे एक कमांड चलानी है, कोटा QUOTA CHECK स्पेस -CUGM/www, ये कमांड चला देनी है। इससे क्या होगा, www के अंदर मेरी दो फाइल क्रिएट हो जाएंगी, एक हो जाएगी एक ए USR कोटा और एक ए GRP कोटा या ग्रुप कोटा के लिए, USR कोटा के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोटा चेक -CUGM, C का मतलब क्या है क्रिएट, U का मतलब यूज़र, G का मतलब ग्रुप और M का मतलब रिमाउंट। तो मेरा क्या होगा कि www के अंदर मैंने कोटा रूल्स अप्लाई करने हैं, इसलिए मैंने क्या किया, इससे कोटा की फाइल्स क्रिएट कर दी। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है और मुझे ये वेरीफाई करना है कि क्या वहाँ पर फाइल्स मेरी क्रिएट हो चुकी हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि ए कोटा डॉट ग्रुप और ए कोटा डॉट यूज़र, ये दो फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी हैं। क्यों क्रिएट हुई, ये इस कमांड की वजह से क्रिएट हुई, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई भी मैंने कर लिया कि ये दोनों फाइल्स आ चुकी हैं। मुझे फोर्थ स्टेप पर जाना है,
और यहाँ पे क्या है, नाउ टर्न ऑन कोटा फीचर। अब मुझे कोटा वाले फीचर को क्या कर देना है, ऑन कर देना है। तो उसके लिए क्या है, क्यू यू ओ टी ए कोटा ऑन स्पेस माइनस ए यू जी ई। इससे आप देख सकते हो कि मेरा स्लैश डब्लू 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 के पे जाके कोटा ऑन हो गया। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे स्लैश डब्लू 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 कहीं डिफाइन नहीं किया है। आप चाहो तो इस फोल्डर के बाहर निकल के भी इस कमांड को चला सकते हो, ठीक है। लेकिन इसने ये डब स्लैश डब्लू 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 और ये कहाँ से एंट्री उठाई, जो मैंने fs टाइप फाइल में जो एंट्री की थी वहाँ से उसने वो इस चीज़ को उठा लिया। तो मुझे क्या करना है, कोटा ऑन स्पेस माइनस ए यू जी बी। इस इतनी बार समझ आ गई आपको। तो इससे क्या हुआ कि मैंने कोटा वाले फीचर को इनेबल कर दिया, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पे साइज़ को लिमिट करना चाह रहा था। तो साइज़ को लिमिट करने के लिए, और वो भी कौन से, टेस्ट वन और नाम के यूज़र करने के लिए, तो ई डी कोटा स्पेस टेस्ट वन, यानी यूज़र का नाम मुझे यहाँ पर देना होता है। तो इसे कोटा एंट्री को एडिट करने के लिए ई डी कोटा, ध्यान रखना मैं यूज़र के हिसाब से लिख रहा लगाता हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ई डी कोटा टेस्ट वन एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एक बाय डिफ़ॉल्ट एक जो टेबल है वो बनी हुई आती है, और इस टेबल का पैटर्न आपको समझना है। टेबल का पैटर्न क्या है, आपने यहाँ पर देखा कि देव के अंदर एस डी बी वन, ये अपने आप क्यों लिखा गया, क्योंकि मैं इसे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस क्या करता आ रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आप इसके सिंटैक्स को समझिए। यहाँ पर फाइल सिस्टम का मतलब मैं कौन से पार्टीशन के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो अगर ये इतनी जो चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें, ये तो है स्पेस को लिमिट करने के लिए। अगर मैं कोटा अप्लाई करना चाहता हूँ, और जो मैं कोटा अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो मैं स्पेस के हिसाब से लगाना चाहता हूँ, तो मुझे इन इन वाले तीन चीज़ों पर फोकस करने हैं। और अगर मैं आईनोड के हिसाब से ब्लॉक कोटा ना लगा के आईनोड कोटा लगाना चाहता हूँ तो इस चीज़ पे, ये तो हो गया कोटा का टाइप, ये कोटा का टाइप हो गया सॉफ्ट कोटा और हार्ड कोटा, ये आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, वो हो गया। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे मुझे क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ये टोटल ब्लॉक्स हैं, और इतना टोटल ब्लॉक्स हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैंने छोड़ दिया कि भाई इसे आप, मैंने कह दिया कि भाई इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, इसे मैं जैसे सिंपल मैंने ज़ीरो कर दिया। तो जीरो कर दिया। अब मुझे सॉफ्ट कोटा की लिमिट क्या करनी है, आप यहाँ पे देखोगे कि भाई सॉफ्ट कोटा की लिमिट क्या करनी है। तो सॉफ्ट कोटा की लिमिट के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं सॉफ्ट कोटा लगाना चाहता हूँ, इसमें वार्निंग का लेवल सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने कह दिया कि ये एक जी बी, क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक ब्लॉक का मतलब एक के बी होता है। तो एक ब्लॉक का मतलब एक के बी, तो मैं एक जी बी में कितने के बी हो गए, एक जी बी में 1024 कितने के बी का मतलब एक एम बी, ये हो गया 10 MB, और इतने के बी, और इतना आ गया 100 MB। तो मैं इसमें 100 MB पे लगाना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा जो साइज़ है वो 100 MB तक बढ़ जाए तो वो मुझे क्या करेगा, वार्निंग देगा। लेकिन मैंने कह दिया कि भाई वार्निंग से काम नहीं चलेगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मैंने कह दिया कि अगर मेरा 0.4800 कि अगर 200 MB से ज़्यादा तो साइज़ जाना ही नहीं चाहिए, जबकि वार्निंग आनी कहाँ से चालू हो जाए, 100 MB से, यानी कि मेरा ये जो पार्टीशन है इसके अंदर जैसे ही 100 MB तक आप डेटा डालोगे तो वो वार्निंग दे देगा। लेकिन वार्निंग देता रहेगा कब तक, अप टू 200 MB तक, और 200 MB हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि वो उससे ज़्यादा साइज एक्सीड कर ही नहीं सकता है। और बाकी हमें क्या कर देना है, इसमें 0000, जैसे आप देखोगे कि मैं इसे अभी अरेंज कर देता हूँ 0000।
वैसे ऐसा करना कुछ ज़रूरी नहीं होता, बट मैं आपको प्रॉपर समझ आ जाए उसके लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और मैं इसे थोड़ा सा और पिसका देता हूँ इधर। तो इससे क्या हुआ कि मैंने कह दिया कि भाई इसकी सॉफ्ट कोटा की लिमिट मैं इसे ब्लॉक वाइज लगाना चाह रहा हूँ, और ब्लॉक वाइज लगाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड कोटा वो भी ब्लॉक वाला मैंने फिक्स कर दिया। इसके बाद में मैंने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया, ठीक है। और सेव करने के बाद मैंने क्या किया, आपको ये एंट्री बड़ी ही सावधानी से करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने बताया, आप इसे चाहो तो दोबारा एक बार देख लेना। ये शायद कोई एक इश्यू क्रिएट कर रहा है, कैन नॉट चेंज टू करंट ब्लॉक अलोकेशन, कैन और ये कोई वार्निंग दे रहा है, कैन नॉट चेंज टू करंट ब्लॉक अलोकेशन। शायद मैंने इसको जो यहाँ पे क्या किया, ब्लॉक जो थे वो फिक्स कर दिए मैंने। तो ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब आगे आपको क्या देखना है, यहाँ पे इसे दोबारा से रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करने के लिए क्या करना है मुझे, माउंट माइनस ओ रिमाउंट USR कोटा GRP कोटा RW/WWW, इससे मैंने क्या किया, इसे रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करके मैंने क्या किया, इसे टेस्ट यूज़र वन से लॉग इन किया। तो आप ये देखिए कि पहले मैंने किया क्या, टेस्ट यूज़र वन से मैंने इसे लॉग इन किया, टेस्ट वन से, उसके लिए मैंने स्विच यूज़र किया, स्विच टेस्ट वन, और यहाँ पे क्या किया, दोबारा से मैंने एक फाइल बनाने की कोशिश की, DD मतलब डमी डेटा f=dir0, ये बेसिकली डमी डेटा बनाने के लिए कमांड होती है। और मैंने कर दिया test3.txt BS=1024 KB font=2, ठीक है। आपने देखा कि ये डिस्क कोटा एक्सीड, ये लिमिट को एक्सीड कर रहा है, क्योंकि ये 200 MB। अब मैं आपको इसकी वजह समझाऊंगा। आप यहाँ पे LL कमांड चलाइए, LL से आप यहाँ पे देखोगे कि पहले से ही मैं इसमें इतनी ज़्यादा डेटा रख के बैठा हूँ, इतना ज़्यादा डेटा रख के बैठा हूँ, तो वो टेस्ट करीब जो फाइल है वो इसलिए उसे क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली मुझे पहले यहाँ से जो इसके अंदर जो भी फाइल पड़ी हुई है ना, हटाना पड़ेगा RM-RF। अब दोबारा से आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी वार्निंग नहीं दे रहा है, क्योंकि इस और यहाँ पे कह रहा है कि ये 2 MB की फाइल मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे टेस्ट टू फाइल बनाना चाह रहा हूँ, टेस्ट थ्री की जगह पे टेस्ट टू फाइल मैंने बनाई, और इसमें मैंने काउंट क्या कर दिया, 100 कर दिया, यानी कितने का साइज बन जाएगा टोटल मेरा, आप देख रहे हो कि ये भी इसने आराम से यहाँ पे बना लिया, ठीक है। मैं एक और फाइल बनाना चाहता हूँ, टेस्ट टू ही मान के लो मैं बना रहा हूँ, और मैंने क्या कर दिया, इसे दोबारा से अगेन मैं इसे रिपीट करता हूँ। आप ये देखोगे कैसे, यहाँ पे आप ls कमांड चला के देखोगे तो यहाँ पे फाइल जो है बनती जा रही है। मैंने क्या लिख दिया, du कमांड लिख दी, तो du स्पेस माइनस एच मैंने जैसी कमांड लिख दी, तो ये बता रहा है कि 100 MB का भी इसका साइज़ हुआ है, जबकि मैंने वार्निंग कितने में लगाई है, 200 में। तो मैं एक काम करता हूँ,
कि यहाँ पे इसका साइज 1000 कर देता हूँ। तो अब देखो 1000 करने पे क्या हुआ कि ये लिमिट एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पे वार्निंग आ गई, लेकिन फाइल फिर भी हमारी बन गई होगी। ह्यूमंस एच से आप यहाँ पे देखोगे 201 MB तक हमारा डेटा इसमें पहुँच चुका है। आप यहाँ पे ls करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको फाइल बनेगी, ll करके देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि du कमांड से आप देखोगे तो आपको पता लगा कि सॉरी du-h से आप चेक करोगे तो आपको पता लग रहा है 201 MB तक मेरी फाइल बन चुकी है। मैंने क्या कर दिया कि मैं कह रहा हूँ कि भाई एक और फाइल बन जाए, क्योंकि मेरी जो लिमिट है वो कितने पे, वो 200 पे। तो अब ये यहाँ मैंने माना चलो टेस्ट वन ऐसे ही बनाऊंगा तो साफ मना कर देगा कि, और यहाँ पर आपको ls करके देखोगे तो यहाँ पर फाइल तो बनेगी ज़रूर, लेकिन अगर आप du-h करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे 201 MB से ज़्यादा बिल्कुल भी एक्सीड नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर जैसे ही आपने पीछे एक फाइल को एडिट किया था, वो उससे हमने क्या किया था टेस्ट वन के लिए उसे एडिट किया था, और यहाँ पर कोटा किसके लिए इम्प्लीमेंट हो गया, ये टेस्ट वन के लिए कोटा इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो कि हमारा 200 MB से ज़्यादा हमारे डेटा को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अगर आप ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो du-h टेस्ट स्टार आपने लगा दिया तो आप यहाँ पे देखोगे 199 MB की ये फाइल बन गई, और ये यहाँ पे ये बन गई, लेकिन टेस्ट वन का साइज़ क्या आ रहा है 0 आ। तो इससे आपको पता लगा कि यहाँ पे आप की जो डिस्क जो टेस्ट वन के लिए जो लिमिट थी वो हमारी फिक्स हो चुकी है, वो है 200 MB, लेकिन वार्निंग उसने 100 MB से ही जनरेट करना चालू कर दिया। जब आप इसे प्रैक्टिकल चला के देखोगे तो आपको बता रही था। अब यहाँ पे आप इवन एक सिंपल फोल्डर भी क्रिएट करके देखोगे ना, ऐसे मान लो हेलो नाम का आपने, तो यहाँ पे डिस्क एक्सीड बताएगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता लगा कि किस तरीके से आप एक किसी भी पर्टिकुलर यूज़र के लिए लिमिट फिक्स कर सकते हो। अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है तो RHEL -A, तो ओके यहाँ पे आपको, क्योंकि ये टेस्ट वन से है इस वजह से ये नहीं जनरेट कर पा रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। अब ये रूट से लॉगिन हो गया, RHEL -A, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो टेस्ट वन था उसका ग्रेस पीरियड 6 डे बाकी है, और इसने क्या किया कि यूज़ कितना कर लिया, इतना हार्ड लिमिट इतनी यूज़ कर ली, सॉफ्ट लिमिट इस यूज़ ही इतना कर चुका है, इसकी लिमिट इतनी थी, सॉफ्ट की लिमिट इतनी थी। तो आप देख रहे हो कि हार्ड को ये एक्सीड नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली कितना यूज़ करवा रहा है, ये जितनी हार्ड की लिमिट थी, ठीक है। तो इससे क्या है, आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। तो ये था बेसिकली, अगर आपका किस तरीके से किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए आप डिस्क का स्पेस जो है वो लिमिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हो, मैं जल्दी जल्दी आपका रिप्लाई कर दूँगा। और अब हम आईनोड कोटा जो है वो टेस्ट यूज़र 2 हमने जो बनाया है उसके लिए बना के देखेंगे, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट वीडियो है।